पूर्व जन्म कृत दोषम यह जन्मनि यद् भवेत् सर्व पाप विमुच्यन्ते चैतन्य शुद्ध साधनेव। पहले इस यंत्र को छूते ही तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए पापों का नाश हो जाता है और इस जन्म में होने वाले पाप नहीं होते। सर्व पापों से उसको मोचन मिलता है और उसके बाद वह शुद्ध चैतन्य हो जाता है। राजराजेश्वरी कुंडली उत्थान एवच, इससे राजराजेश्वरी माता उसका कुंडली उत्थान करके यानी कुंडली को जागृत कर देती है। देह प्राण सह चैतन्य शुद्ध ब्रह्म समो नरः, उसके देह और प्राण दोनों भी चैतन्यवान होते होकर वो नर ब्रह्म के समान हो जाता है। अनंगो सम सौंदर्य यौवनम तेज समदे, इसको वो अनंग यानी कामदेव के समान सौंदर्य और यौवन प्राप्त करता है, तेज प्राप्त करता है। सम्मोहनम कामत्वम प्राप्यते राजदीक्षितम, वो राजा बनता है उसमें सम्मोहन का और आकर्षण का एक शक्ति प्राप्त हो जाती है। सहस्त्रारतम जागृतम अमृतोपानत्वम सह, जो व्यक्ति अमृत के पान करने के बाद जिसकी सहस्त्रार जागृति होती है वह इस साधना से प्राप्त होता है। सर्व रोग विमोचन्ते दीर्घ जीवी भवेत् नरः, उसके सारे रोग चले जाकर वो दीर्घ जीवी होता है यानी 100 साल जीता है, ऐसा इस साधना की श्रेष्ठता गुरु जी लिखते हैं। तो इसमें पहले आपको आप फूल चढ़ा दिए हैं तो उदय महाराज एक स्तोत्र पढ़ते हैं। आप दोनों यंत्रों पर आपका हाथ रख लो और एक हाथ में माला पकड़ लो, उस स्तोत्र पढ़े तक आपको उस यंत्र पर हाथ रखना है। उसके बाद जैसा लिखा गया है गुरु तत्व मंत्र जो है ओम गुरु शिवाय शिवाय गुरवे नमः, उसको 11 माला करना है और ऐं ह्रीं श्रीं जो है उसको ऐं ह्रीं श्रीं करके 11 माला करना है। लेकिन आज आप एक एक माला करेंगे, उसके बाद गुरु पूर्णिमा के अब तुलाभार हो आरती हो उसके बाद आप जप कर लेंगे। पहले स्तोत्र पढ़ेंगे, अपने यंत्र के ऊपर हाथ रखो, उदय माला स्तोत्र पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक माला जप करेंगे। सभी लोग 3 बार बोलो गुरुर्वै शरण्यम। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे देह में स्थापित हो जाएं और हमारे सारे कर्मों को आप साक्षी बनकर देखें और हमें सिद्धाश्रम तक आपकी जो इच्छा है वहां तक पहुंचाएं। हमारे कर्मों का अच्छाई बुराई का फल सभी आपके हाथ में सौंपते हैं, आज से ये जीवन आपका है, ऐसा आप एक बार अपने आप को गुरु को सौंप दो, बाकी आगे देखो क्या होता है। आपको आशीर्वाद देता हूँ, एक एक माला को पूर्ण करो उसके बाद का कार्यक्रम आरंभ होगा। एक एक माला जो रखे हैं, दिया लगाओ यंत्र के सामने, फूल तो चढ़ा है, पूजा हो गई है, दिया लगाओ और एक एक माला मंत्र जप करो।